हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं क्रोशिए से ही दिल का डिज़ाइन। तो दिल किस तरह से क्रोशिए से बनाया जाता है, हार्ट शेप में आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप इजीली घर पे बना के इस तरह से हार्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर धागा ले लिया है और साथ में क्रोशिया ले लिया है। तो धागे को इस तरह से आप घुमा लीजिए पहले, और घुमाने के बाद इस तरह से गांठ लगा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3.5 mm का जो क्रोशिया लिया है, और उसके साथ धागे की थिकनेस आप देख सकते हैं मेरी उंगली पे, इस तरह की थिकनेस मैंने ली है। मीडियम साइज़ का है ये धागा। और अब इसके साथ मैंने यहाँ पर 6 जो है चेन बना दी है क्रोशिए से। तो सबसे पहले आपने जस्ट क्रॉस करना है धागे को और एक नॉट बना लेना है, और फिर उसके बाद 6 चेन बना के जो शेप 6 नंबर वाली चेन है उसको आपने पहले नंबर वाली चेन के साथ मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और बीच में एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद अब हम बनाएंगे 3 चेन, ठीक है। पहले आपने ये सर्कल बना लेना है, उसके बाद सिंपली 3 चेन बना लेनी है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया में क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रोशिए पे दो बार धागे को लपेटते हैं, डबल क्रोशिया पे एक बार धागा लपेटते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में दो बार। ये देखिए मैंने दो बार धागे को लपेट लिया है। अब इस तरह से हम सर्कल के बीच से लेते जाएंगे और आगे से धागा लाते जाएंगे, और दो दो का एक एक करते जाएंगे, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, ठीक है। तो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 4 बार। एक बार बन गया है, ये दूसरी बार है, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक। अब तीसरी बार बनाएंगे, तो इसी तरह 4 बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक। ये 3 बार हो गया है, एक बार मुझे और बनाना है, और इनको आपने साथ साथ में जोड़ते जाना है। अगर ये ढीला रहेंगे तो सर्कल में जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए इनको थोड़ा सा इकट्ठा इकट्ठा करते जाना है। तो ये चौथी बार मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ, ये देखिए, दो का एक, दो का एक। तो यहाँ पे 4 बार मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है, और एक बार हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, ठीक है। अब इसके बाद 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया में क्या करना है, क्रोशिए पे धागे को सिर्फ एक बार लेना है। ट्रिपल क्रोशिया में धागे को क्रोशिए पे दो बार लिया जाता है, और डबल क्रोशिया में धागे को क्रोशिए पे एक बार लिया जाता है। तो यहाँ पे 4 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह से दो का एक, दो का एक, और एक बार और बनाना है, ये देखिए इस तरह से दो का एक, फिर दो का एक। तो ये देखिए किस तरह से शेप बन रही है ना। 4 बार हमने ऊपर पहले बनाए ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद हमने 4 बार बनाए डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने लेनी है एक एक्स्ट्रा चेन। ये देखिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेन ले रही हूँ, इस तरह से ये चेन ले ली हमने। अब उसके बाद फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है एक बार। दो बार क्रोशिए पे धागे को लपेट लिया, अब सेम उसी सर्कल में से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है और उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, इस तरह से। अब उसके बाद एक चेन हमने फिर से एक्स्ट्रा लेनी है, और अब हम दूसरी तरफ पे सेम उसी तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे हमने इस तरफ पे किया है। अब हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक ही बार धागा क्रोशिए पे लेके 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अभी एक बार बन गया, फिर से क्रोशिए पे धागा लेंगे और इनको साथ साथ जोड़ते जाएंगे। इस तरह से क्रोशिए पे धागा लिया, फिर से हम आगे से लेकर आएंगे, दो का एक, दो का एक, फिर से इसी तरह करेंगे सेम डबल क्रोशिया, दो का एक, दो का एक। तो आप देख रहे हैं कि शेप कितने अच्छे से बनती जा रही है, दो का एक, दो का, दो का एक, इस तरह से। ये मेरे 4 जो हैं डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है जो हमने दूसरी साइड पे किया है। तो ट्रिपल क्रोशिया में दो बार धागे को क्रोशिए पे लपेट लिया है मैंने, दो का एक, दो का एक, दो का एक, अगेन ट्रिपल क्रोशिया, फिर से हम सेंटर से लेंगे, दो का एक,
दो का एक, फिर दो का एक, दो बार बन गया। अभी दो बार ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, इसी तरह से दो का एक, दो का एक, और एक बार और बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, और उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार और मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, दो का एक, दो का एक, दो का एक। वेरी सिंपल, आपने बस चार चार का पैटर्न याद रखना है, चार बार ट्रिपल क्रोशिया, चार बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर दूसरी साइड पे सेम पैटर्न। अब देखिए लास्ट में हम पहुंच गए, तो तीन चेन हमने यहाँ पे लेनी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में तीन चेन ली थी ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे तीन चेन लेके इसको अंदर की ओर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से लाएंगे और अंदर की ओर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। बस ये दो हो गए, तो दोनों में से धागे को हम निकाल देंगे इस तरह से, और अब धागे को हम बैक साइड पे खींच के कट कर लेंगे। तो आप शेप देख सकते हैं हर्ट की, कितने अच्छे से एकदम परफेक्ट शेप आई है। आप इस तरह की जो हर्ट्स हैं ये बना के आप डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो बस हर्ट हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी हमने सिर्फ धागे को पीछे की ओर इस तरह से खींच के कट कर लेना है, और आप शेप देख रहे हैं पूरा एकदम परफेक्ट शेप आई है हर्ट की। तो जो पीछे की ओर धागा है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो जो ये धागा है इसको हम बाहर निकाल देंगे, और इस धागे को हम अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे इस तरह से, बीच बीच में इसको इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, और लॉक हो जाएगा धागा अच्छे से। और फिर इन दोनों धागों को गांठ लगा देंगे, एक वो धागा जो स्टार्ट करते वक्त हुआ था वो भी इसी में था, और आप चाहें तो इस धागे को रख सकते हैं, बाद में आपको टाई करने में कहीं भी ये काम आएगा तो पीछे की ओर आप इसको टाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे हर्ट जो है पूरा बन के कम्प्लीट है फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हर्ट ये आपके लिए यहाँ पे रेडी है फ्रेंड्स।